ये देखिए इसकी स्मेल कैसी है काफी इरिटेटिंग स्मेल है पंजेंट स्मेल है अमोनियम आयन आयन की हाय एवरीवन से रिलेटेड आज हमें इंडिकेटरी एंड कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करना है उससे पहले हम जानेंगे एनएच फोर पॉजिटिव आयन क्या होता है ये है अमोनियम आयन क्या है ये अमोनियम आयन अमोनियम आयन एन फोर देखिए दिखने में कैसा होता है क्या जिमेट्री होती है NH4 पॉजिटिव आयन की इसको हमें डिस्कस करना है सबसे पहले उसके बाद इंडिकेटरी एंड कंफर्मेटरी टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे NH4 पॉजिटिव आयन नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन NH4 पॉजिटिव आयन में sp3 है जिमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल जिमेट्री बोन एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट कंटेनिंग एनी लोन पेयर वोन एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा चलिए कुछ इंपोर्टेंट डिस्कशन करते हैं NH4 फोर पॉजिटिव आयन से रिलेटेड NH4 फोर पॉजिटिव आयन कौन कौन से सोल्ट में प्रेजेंट होते हैं अमोनियम कैटाइन इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ सोल्ट सच एज अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट एटसेट्रा मोस्ट ऑफ सिंपल अमोनियम सोल्ट आर वेरी मच सोल्यूबल इन एच ने के अंदर अमोनियम सोल्ट सोलिबल होते हैं एन एक्सेप्शन इज देयर एक्सेप्शन क्या है अमोनियम यह है एक्सेप्शन द फॉर्मेशन ऑफ विच टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आय और अमोनिया आजकल इस टेस्ट को यूज नहीं करते हैं हम लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट को यूज करते हैं अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन हम इस टेस्ट को क्यों नहीं यूज करते हैं? इसमें प्लेटिनम प्रेजेंट है ये तो आप जानते ही हैं प्लेटिनम कितना कॉस्टली होता है तो क्या इस टेस्ट को यूज करना क्या कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए जी नहीं तो इसलिए हम कुछ और टेस्ट की हेल्प लेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनियम हैग्जा कब फॉर्म होता है और ये टेस्ट क्या था जिसको पहले यूज किया जाता था एनएच आप जानते हैं बेस है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है यह है बेस इसको रिएक्ट करवाया जाए एच टू साथ, क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन होगी या फिर NH4 पॉजिटिव को रिएक्ट किया जाए पीटीसीएल टू माइनस के साथ तो येलो कलर्ड सोल्यूशन फॉर्म होगा और जिसमें सोलिबिलिटी काफी कम होगी अमोनियम हैग्जा क्लोरोप्लेटिनेट की तो क्या फॉर्म होगा एसिड बेस रिएक्शन होने से अमोनियम हैग्जा क्लोरोप्लेटिनेट एन एच फोर होल पी टी सिक्स फॉर्म होगा आई होप ये आपको क्लियर है तो चलिए बात करते हैं अमोनियम आयन से रिलेटेड जो ये सोल्ट हमने डिस्कस किए अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड अमोनियम नाइट्रेट ये सोल्ट दिखने में कैसे होते हैं और उसके बाद हम इंडिकेटरी टेस्ट को डिस्कस करेंगे तो ये देखिए ये अमोनियम आयन से रिलेटेड जो सोल्ट हैं जिनमें अमोनियम आइंस प्रेजेंट हैं ये आपके सामने एनएच फोर पॉजिटिव आयंस कैसे होते हैं एन एच फोर पोस्टिव आय चलिए रिवाइज करते हैं एनएच फोर पोस्टिव आयंस टेट्राहेड्रल होते हैं अमोनिया में एच पॉजिटिव एड करते हैं तब फॉर्मेशन होती है ये क्या अमोनियम कार्बोनेट था ये अमोनियम क्लोराइड है एंड ये क्या है ये है अमोनियम नाइट्रेट जी हाँ अमोनियम नाइट्रेट है कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे ये आपके सामने है एन एच एच सी एल नेजेंट नेसलस रिएजेंट क्या है ये भी डिस्कस करेंगे एन को तो आप जानते हैं कोस्टिक सोडा डायल्यूट एच यूज करेंगे एंड ओरिजिनल सोल्ट लेंगे कौन से सोल्ट को हम यूज करेंगे एन को हम यूज करेंगे तो चलिए आगे चलते हैं इंडिकेटरी टेस्ट को डिस्कस करते हैं क्या होगा इंडिकेटरी टेस्ट स्मेल टेस्ट की हम बात करेंगे जी हाँ स्मेल टेस्ट हमें डिस्कस करना है अमोनियम आइंस की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है कैसी स्मेल होती है अमोनिकल स्मेल होती है हम अमोनियम आयन कंटेनिंग सोल्ट को एच टू ओ में मिक्स करेंगे उसके बाद इनहेल करेंगे कैसी स्मेल होगी चलिए इसकी बात करते हैं ये है हमारे पास अमोनियम सोल्ट और अमोनियम सोल्ट को हम इनहेल करेंगे और उसके बाद देखिए स्मेल कैसी होगी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए अमोनियम आयन के सोल्ट को सबसे पहले हम एच टू ओ के अंदर मिक्स करेंगे और उसके बाद सोल्यूशन फॉर्म करेंगे ये इंडिकेटरी टेस्ट होगा स्मेल टेस्ट होगा और इसके बाद हम जब स्मेल को हम यहाँ नोटिस करेंगे इसकी स्मेल काफ़ी पंजेंट होगी जी हाँ ये देखिए हमने मिक्स किया मिक्स करने के बाद हम ये देखिए इसकी स्मेल कैसी है काफ़ी इरीटेटिंग स्मेल है पंजेंट स्मेल है अमोनीम आइंस की ये लेबोरेटरी में आप फील कर सकते हैं और ये हमने टेस्ट किया स्मेल टेस्ट तो चलिए आगे मूव करते हैं डिस्कशन करते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट ऑफ एन एच फोर पॉजिटिव ड्राई हीटिंग टेस्ट क्या है दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एच फोर सी एल इन ड्राई टेस्ट ट्यूब तो ड्राई टेस्ट ट्यूब में NH4CL फोर सी एल को हमें हीट करना है बंसन बर्नर पे हम हीट करेंगे ये एन एच फोर सी एल है तो क्या होगा हीट करेंगे 340 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकोज करता है NH3 थ्री एंड एच गैसेस फॉर्म होंगी हीट करते हैं ऑन हीटिंग समरगो डिकम्पोजिशन इवोलविंग एनएच थ्री एंड एच सी एल गैसेज गैसेज इवोल्व होंगी ग्लास रोड को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ की तरफ अगर हम रखेंगे जिसके कॉन्टेक्ट में है एचसीएल तो ये HCl अमोनिया के साथ लिबरेटेड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म होंगी वाइट फ्यूम्स ऑफ एन एच फोर सी एल यहां क्या फॉर्म होगा की होंगी चलिए कंप्लीट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं क्या है ड्राई हीटिंग टेस्ट ये हम डिस्कस करेंगे यहां ड्राई हीटिंग टेस्ट में हमें सबसे पहले एनएच फोर सी एल सोल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेना होगा ये एन फोर सी एल टेस्ट है बंसन बर्नर पे इसको हीट किया गया है एनएच फोर सी एल डीकम्पोज होगा अमोनिया एंड एच सी एल में ये आपको क्लियर है इसके बाद ये देखिए ये ग्लास रोड जिसको एच सी एल में डिप किया गया है और यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अगर इस ग्लास रोड को रखते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स आपने नोटिस की होगी एनएच थ्री एच सी एल के साथ रिएक्ट करता है और ये व्हाइट फ्यूम्स है किसकी है व्हाइट फ्यूम्स एन एच फोर सी एल की है यहाँ नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा एन एच फोर सी एल डीकम्पोज होगा एनएच थ्री एंड एच सी एल में यहां से लोअर टेम्परेचर है इसके कॉन्टेक्ट में रखेंगे अमोनिया के में तो क्या फॉर्म होगा CL, और इसकी क्या होंगी व्हाइट फ्यूम्स तो चलिए आगे चलते हैं एक और टेस्ट को डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ एन ऑन एन फोर पॉजिटिव क्या होगा सोल्ट डिकम्पोज करेगा क्यों डीकम्पोज करेगा सोल्ट कैसा भी हो यहां सोल्ट हम कंसिडर कर सकते हैं एनएच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम नाइट्रेट और इनमें से किसी भी सोल्ट को अगर एनएच के साथ हीट किया जाए और के, के साथ हीट किया जाए तो क्या होगा अमोनिया गैस लिबरेट होगी विच इज़ विजिबल एज डेंस व्हाइट फ्यूम इन दी एल एन एच फोर सी एल की फॉर्म में इसको विजिबल बनाया जा सकता है अमोनिया गैस कैसे लिब्रेट होगी सबसे पहले इसकी बात करेंगे इसमें बेस एड करना होगा ओ एच माइनस और हीट करना होगा तो आप जानते ही नहीं सभी सोल्ट में एन एच फोर पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट है एन एच फोर पॉजिटिव आइंस कॉम्बिनेशन है एच प्लस एंड एनएच थ्री का एच माइनस एच प्लस के साथ रिएक्ट करता है जो एन एच फोर में प्रेजेंट है एच प्लस उसके बाद क्या फॉर्म होगा इसके बाद एच टू फॉर्म होगा एंड ईवोल होगी अमोनिया गैस और इस अमोनिया गैस के इवोल्यूशन को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे ग्लास रोड जिसको एच सी एल में डिप किया गया है अमोनिया के कॉन्टेक्ट में जब लेकर आएंगे तो क्या फॉर्म होगा इसको विजिबल बनाया जा सकता है एनएच फोर सी एल की व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म होगी एच सी एल में डिप्ड ग्लास रोड को अमोनिया के कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे आई होप ये आपको विजिबल तो होगा एच सी एल कॉन्टेक्ट में आएगा एसिड बेस रिएक्शन होगी एन एच फोर सी एल फॉर्म होगा इसका कलर कैसा होता है वाइट होता है तो चलिए टेस्ट की बात करते हैं आप देखेंगे ओरिजिनल सोल्ट इसको टेस्ट ट्यूब में रखा गया है ओरिजिनल सोल्ट को इसके बाद इसमें ऐड किया गया है इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एन को इसके बाद क्या करना होगा हीट करना होगा कौन सी गैस ईवल होगी गैस ईवल होगी इस केस में अमोनिया ये आप देख चुके हैं और अमोनिया गैस की कंफर्मेशन के लिए हमें इस केस में क्या करना होगा इस केस में ये देखिए डाइल्यूट एच में डिब्ड ग्लास रोड को जब इसके कॉन्टेक्ट में रखेंगे आप देखेंगे व्हाइट फ्यूम्स व्हाइट फ्यूम्स NH4Cl की क्या फॉर्म होगा एसिड बेस रिएक्शन से NH4Cl फॉर्म होगा और ये है वाइट फ्यूम्स तो एक और टेस्ट आपने डिस्कस किया अब हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ एन एच फोर पॉजिटिव आयंस को अमोनिया गैस इवोल्ड बाय एक्शन ऑफ एन एच और के ओ एच ऑन अमोनियम सोल्ट जैसे कि एनएच फोर सी एल हम यहां कंसिडर करेंगे और इसमें एड करेंगे एन एच और के तो अमोनिया गैस एल होगी अमोनिया गैस इज कलेक्टेड उसके बाद अमोनिया गैस को कलेक्ट करेंगे और उसको हम पास करेंगे एंड देन अमोनिया गैस इज पास थ्रू रिएजेंट ए ब्राउन कलरेशन और मिलन्स बेस और ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड देखिए क्या फॉर्म होगा ब्राउन कलरेशन और मिलन्स बेस और ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कंफर्म हो जाएगा कि यहां अमोनियम आयन सी प्रेजेंट थे नेट रिएक्शन क्या है इसकी हम बात करेंगे और उसके बाद इस इंपॉर्टेंट टेस्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेप्स होंगे इसको हम लेबोरेटरी में जाकर डिस्कस करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा एनएच फोर सी एल एंड एन एम एच को रिएक्ट करना होगा अमोनिया गैस होगी आप जानते हैं एनएच फोर पॉजिटिव आयन कॉम्बिनेशन है NH3 एंड NH OH H+ एच प्लस का ओ एच माइनस एच प्लस के साथ रेट के होगा अमोनिया बोल होगी उसके बाद इसको रिएक्ट किया जाएगा रिएजेंट ये कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए यूज होने वाला रिएजेंट है रिएजेंट मिलन्स बेस फॉर्म होगा मिलन्स बेस क्या है चलिए इसकी बात करते हैं ओ एच एच जी एन एच टू यह है ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलन्स बेस ब्राउन प्रेसिपिटेट और यह है मिलन्स बेस इसके साथ क्या फॉर्म होगा के सी एल फॉर्म होगा के आई फॉर्म होगा एंड एच टू फॉर्म होगा कैसे फॉर्म होगा चलिए इसकी बात करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं यह देखिए हमने एन एच फोर सी एल एक टेस्ट ट्यूब में लिया है तो एक ओरिजिनल सोल्ट NH4Cl फोर सी एल टेस्ट ट्यूब में लिया गया है इसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड एन एच एड करेंगे और के कोई भी बेस ले सकते हैं तो यहां हमने एन एच को ऐड किया बंसन बर्नर पर इसको हीट किया अमोनिया गैस इवोल्व हुई रिएक्शन आपके सामने है उसके बाद क्या होगा इस इवोल्व अमोनिया गैस को कलेक्ट किया जाएगा एक और वेसल में तो ये देखिए एक और टेस्ट ट्यूब आपके पास है इसमें कलेक्ट किया गया ये क्या ऐड किया ये ऐड किया आपको जो दिखाई दे रही है, ये की है। क्या फॉर्मूला है एनएच टू एच जी ओ एच जी आई आई होप ये आपको क्लियर है और इस प्रकार से एनएच फोर पॉजिटिव आयंस के हमने डिटेल में टेस्ट को डिस्कस कर लिया है सबसे पहले इंडिकेटरी टेस्ट को डिस्कस किया उसके बाद कंफर्मेटिव टेस्ट को डिस्कस किया सोल्ट एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसी प्रकार से हम कैटाइंस एंड एनाइंस के टेस्ट को डिस्कस करते रहेंगे चले मिलते हैं एक और आयन के साथ नेक्स्ट सेशन में तब तक आप यूं ही रिवीजन करते रहें एंड इस खूबसूरत केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहें